प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। तो क्या आप सब खेल खेल में योग सीखने को तैयार हो? हाँ बाबा जी। तो अब तैयार हो जाओ हमारे साथ घूमने के लिए। हम जाएंगे नए नए सुंदर सुंदर स्थानों पर और वहाँ पर सीखेंगे खेल खेल में सीखेंगे योग। हाँ, खेल खेल में योग। और दीपिका दीदी हमें कहानियाँ एवं कविता भी सुनाएंगी, है ना दीदी? हाँ बच्चों। मित्रों, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। स्वस्थ तन और सजग मन से हर कोई बलशाली बन सकता है, पर इसके लिए रोज करना होगा योग। तो आओ शुरू करते हैं योग अभ्यास। बच्चों, आओ अब बाल अवस्था का आनंद लेते हैं और करते हैं बालासन। सबसे पहले पेट के बल लेट जाओ, माथा दोनों हाथों पर टिका कर रखो। ध्यान रहे हथेलियां एक दूसरे के ऊपर हो। पैर को मोड़ने की स्थिति अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इस आसन में लेटते हुए आराम का अनुभव उसी तरह करो जिस तरह आप सोते समय करते हो। यह आसन शरीर और मन की थकान दूर करता है। इससे पेट की आंतों की सक्रियता बढ़ती है जिससे पेट के रोग दूर होते हैं। अगला आसन है अर्धचंद्रासन। इस आसन में चंद्रमा की आधी आकृति बनती है, इसलिए इसे अर्धचंद्रासन कहते हैं। पहले वज्रासन की स्थिति में बैठो और दोनों हाथों को घुटनों पर रखो। हाँ, ऐसे। उसके बाद घुटनों के बल खड़े हो जाओ। घुटनों के बीच थोड़ा फासला ले लो। दोनों हाथों को छाती पर रखो जैसे रुचि कर रही है। हाँ, अब श्वास अंदर भरते हुए गर्दन एवं सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए कमर पर ऊपर की ओर हल्के से दबाव दो। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहो, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहली स्थिति में आ जाओ। यह आसन श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, मेरुदंड को मजबूत बनाता है। बच्चों, अब शशकासन। इस आसन में शशक यानी खरगोश की तरह आकृति बनती है, इसीलिए इस आसन को शशकासन कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाओ। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। इसके बाद आगे झुकते हुए श्वास बाहर निकालो। अब हाथों को आगे फैलाते हुए कोहनियों तक हाथों को भूमि पर टिका दो। माथा भी भूमि पर टिका हुआ हो।
कुछ समय इस स्थिति में रहकर फिर से वज्रासन में आ जाओ। यह आसन हमारे गुर्दे, यकृत एवं आंत आदि को सक्रिय रखता है। यह आसन पेट, कमर तथा कुल्हों के मोटापे को कम करता है। बच्चों, अब करेंगे पद्मासन। पद्मासन पद्म और आसन शब्दों से मिलकर बना है। पद्म कमल को कहते हैं। इस आसन में पैरों तथा हाथों की आकृति कमल की पंखुड़ियों के समान बनाई जाती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहा जाता है। पहले पैरों को सामने फैलाकर बैठ जाओ। इस स्थिति को दंडासन कहते हैं। अब दाएं पैर को घुटनों से मोड़ते हुए बाएं पैर की जंघा के ऊपर रखो। इसके बाद बाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाईं जांघ पर सावधानी से रखो। अब यह पद्मासन की स्थिति बन गई। बच्चों, अपनी सुविधा के अनुसार हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखो अथवा दाई हथेली को बाई हथेली पर रखकर गोद में रख सकते हो। अब पलकें झुकाकर नाक के आगे वाले भाग को देखो। सिर में किसी भी प्रकार का दर्द या चक्कर होने पर आंखें बंद कर लो। शांत और सहज होकर कुछ देर इसी स्थिति में रहो। ध्यान रहे, मेरुदंड सीधा रहे और श्वसन क्रिया सामान्य ढंग से चलती रहे। पद्मासन से स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए यह उत्तम आसन है। निद्रा और आलस्य को दूर करने में लाभदायक है। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अब करते हैं एक पैर पर खड़े होकर किए जाने वाला आसन ध्रुवासन। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। अब दाएं पैर को उठाकर बाईं जांघ पर इस प्रकार रखो कि पैर का पंजा नीचे की ओर तथा एड़ी जंघा के मूल में लगी हुई हो। अब दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में सामने रखो। कुछ देर इसी स्थिति में रहो। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी ये अभ्यास करो। यह आसन मन की चंचलता को दूर करता है, नाड़ियों को मजबूती देता है। अब हम सीखेंगे मकरासन। इस आसन से मकर यानी मगरमच्छ की दो अवस्थाओं का आभास होता है, इसलिए इसे मकरासन कहते हैं। आराम के लिए मकरासन एक उत्तम आसन है। सबसे पहले पेट के बल लेट जाओ। दोनों हाथों को फैला दो। अब दोनों हाथों को मोड़ते हुए हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखो। माथा हथेलियों के ऊपर टिका कर रखो। हाँ, पैरों में लगभग 1 फुट का फासला रखो।
और शरीर को ढीला एवं शांत छोड़ दो। इस आसन में आराम और शांति का अनुभव करो। यह हुआ मकरासन भाग एक। इस आसन से पेट के आंतों की स्वाभाविक मालिश हो जाती है और वे सक्रिय हो जाती है, जिससे पेट के विकार दूर होते हैं। यह आसन मेरुदंड में लचीलापन लाता है। अब करेंगे मकरासन भाग दो। पेट के बल लेट जाओ, दोनों कोहनियों को मिलाकर हथेलियों को ठोड़ी के नीचे लगाओ, छाती को ऊपर उठाओ, कोहनियों एवं पैरों को मिलाकर रखो। अब श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर की ओर मोड़ो। मोड़ते समय एड़ी कुल्हों का स्पर्श करे, फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिना पैर नीचे रखो। अब श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर की ओर मोड़ो। श्वास छोड़ते हुए अब बायां पैर नीचे रखो। इसके बाद श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर मोड़ो। मोड़ते समय एड़ियां कूल्हों का स्पर्श करें। अब श्वास को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में लौट आओ। यह आसन मेरुदंड के रोगों को दूर करने में बहुत उपयोगी है। यह रक्त को शुद्ध करने में भी सहायक है, शरीर को विश्राम दिलाता है, साथ ही यह फेफड़ों को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाता है, घुटनों के दर्द में लाभ देता है, कमर दर्द में भी यह अत्यंत लाभकारी है। अब करेंगे पादहस्तासन। इस आसन को पादहस्तासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाथों को नीचे जमीन की ओर झुकाकर पैरों के समीप लाया जाता है। बच्चों, सबसे पहले सावधान खड़े हो जाओ, फिर अपने दोनों हाथ सामने की ओर फैलाओ। अब धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। इसके बाद श्वास छोड़ते हुए सिर घुटनों में लगाओ। ध्यान रहे हथेलियां पैरों के पंजों के निकट आ जाएं। अब धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाओ और सावधान की स्थिति में खड़े हो जाओ। इस अभ्यास को 5 बार दोहराओ। यह आसन लंबाई बढ़ाने के लिए लाभप्रद है, कमर एवं पेट को स्वस्थ बनाता है। इस आसन से मेरुदंड में लचीलापन आता है। बच्चों, अब करेंगे आराम करने वाला आसन, यानी पशु विश्रामासन। इस आसन में पशुओं के विश्राम की आकृति बनने से इसे पशु विश्रामासन कहा जाता है। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने फैलाकर आराम से बैठ जाओ। बाएं पैर को इस प्रकार मोड़कर रखो कि पंजा
बाहर की ओर हो तथा एड़ी कूल्हे से लगी हुई हो। और अब दाएं पैर को मोड़कर उसका पंजा बाईं जांग से लगा कर रखो। अब श्वास अंदर भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और अब श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर झुको। सिर तथा हाथों को जमीन पर टिका दो। इसी प्रकार पैर बदल कर इस आसन के अभ्यास को दूसरे पैर से भी करो। अब इसके लाभ सुनो। यह आसन शरीर को विश्राम दिलाने में सहायता करता है, मोटापा कम करता है, पेट के रोगों को दूर करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है। बच्चों, अब रुचि हमें दिखाएंगी उष्ट्रासन। इस आसन में उष्ट्र मतलब ऊंट जैसी आकृति बनने के कारण इसे उष्ट्रासन कहते हैं। सबसे पहले वज्रासन में बैठो, फिर घुटनों के बल खड़े हो जाओ। अब श्वास अंदर लेते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाते हुए कमर को ऊपर उठाओ। साथ ही साथ धीरे से दाहिना हाथ दाहिनी एड़ी पर रखो। हाथ इस प्रकार रखो कि अंगुलियां अंदर की ओर हो। इसी प्रकार बायां हाथ बाईं एड़ी पर रखो। हाँ, ऐसे। यह हुआ उष्ट्रासन। अब श्वास छोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाओ। इस प्रकार 3-4 बार करो। यह आसन श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी है। फेफड़ों को स्वस्थ एवं मजबूत बनाता है। अब हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। अपना ध्यान रखना, खूब प्रसन्न रहना। हम फिर मिलेंगे। आज हमने क्या सीखा? आसनों को उनके लाभों से मिलाओ। बिल्कुल सही। चित्रों में दिए गए आसनों को उनके सही नाम से मिलाओ। हाँ, बिल्कुल सही। चित्रों में दिए गए आसनों को उनके सही नाम से मिलाओ। हाँ, बिल्कुल सही। आवाजों को पहचानो।